नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों पर खास मंथन चल रहा था। आखिरी सीईसी की बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के सामने कहा था कि सभी उम्मीदवारों पर मंथन हो चुका है, फाइनल डिसीजन आलाकमान पर है। कांग्रेस की लिस्ट में दिलचस्प बात ये भी है कि राजस्थान के लिए एक साथ कैंडिडेट घोषित नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि किश्तों में सभी के नाम सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस की चौथी लिस्ट में दो उम्मीदवारों के नाम हैं जो चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय तो आरएलपी से गठबंधन भी है, लेकिन हम उम्मीदवारों की बात करेंगे। पहला नाम है अनिल चोपड़ा का और दूसरा नाम है भजनलाल जाटव का। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण से सचिन पायलट के करीबी अनिल चोपड़ा को टिकट मिला है, तो वहीं करौली धौलपुर से पहले पायलट के फिर गहलोत के करीबी रहे भजनलाल जाटव को टिकट मिला है। दोनों ही कैंडिडेट को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों ही जमीन से जुड़े नेता हैं और साफ छवि रखते हैं। सचिन पायलट कई बार कह चुके हैं कि इस बार टिकट युवाओं को और साफ छवि वाले नेताओं को मिलेगा। इससे साफ है कि टिकट वितरण में इस बार पायलट की खूब चली है। कांग्रेस जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में थी। एक तरफ सचिन पायलट अपने करीबी अनिल चोपड़ा को टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा चाहते थे कि संदीप चौधरी को टिकट मिले। इसको लेकर कांग्रेस के पैनल में अनिल चोपड़ा और संदीप चौधरी के नामों के बीच कड़ी टक्कर थी। जयपुर ग्रामीण से घोषित किए गए अनिल चोपड़ा सचिन पायलट के पसंदीदा नेता हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर बन गया था। पायलट अनिल चोपड़ा को टिकट दिलाना चाहते थे, जबकि डोटासरा संदीप चौधरी की वकालत कर रहे थे। ऐसे में पार्टी हाईकमान पेशोपेश की स्थिति में थी। अब सियासी चर्चा ये भी है कि इस लड़ाई को निपटाने के लिए प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। ऐसे में संभावना है कि प्रियंका ने ही अनिल चोपड़ा को टिकट दिलाया। इसको लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी के काफी करीबी लोगों में से एक हैं। जब भी पायलट पर कोई संकट आया तब प्रियंका ने ही उसका साथ दिया। आपको बता दें कि अनिल चोपड़ा 35 साल के हैं। चोपड़ा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी हैं। इन्होंने एनएसयूआई से राजनीति की शुरुआत की। इसके अलावा अनिल चोपड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चोपड़ा ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी काम किया है। चोपड़ा के टिकट को लेकर सचिन पायलट ने पैरवी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट की वजह से ही चोपड़ा को टिकट मिला है। अब देखना होगा कि अनिल चोपड़ा पायलट की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या फिर नहीं। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।